हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा विद पीडी। जैसे कि पार्ट वन वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट और इसका क्लासिफिकेशन, तो आज का इस पार्ट टू वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटी माइक्रोबियल एजेंट के ड्रग के बारे में, जैसे पोटासियम परमैंगनेट, बोरिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरिनेटेड लाइम एंड आयोडीन। ये पाँच ड्रग है एंटी माइक्रोबियल एजेंट के अंदर। तो आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोटासियम परमैंगनेट और बोरिक एसिड के बारे में, और जो नेक्स्ट वीडियो होने वाले हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरिनेटेड लाइम एंड आयोडीन के बारे में। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम पर। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर दें। जैसे कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोटासियम परमैंगनेट एंड बोरिक एसिड के बारे में। पोटासियम परमैंगनेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है KmnO4, और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 158.03 ग्राम पर मोल। अब इसका प्रिपरेशन देखिए कि जब पोटासियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीज डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें मिलेगा पोटासियम मैग्नेट और वाटर मॉलिक्यूल। और फिर से क्या होगा, ये पोटासियम मैग्नेट जब रिएक्शन करेंगे क्लोरीन से, तो फाइनली पोटासियम पर मैग्नेट और पोटासियम क्लोराइड हमें मिल जाएंगे। तो इसको कैसे लिखना है, व्हेन पोटासियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्ट विथ मैग्नीज डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म पोटासियम मैग्नेट एंड वाटर मॉलिक्यूल। फर्दर पोटासियम मैग्नेट रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म पोटासियम पर मैग्नेट एंड पोटासियम क्लोराइड। अब इसका प्रॉपर्टी देखिए, ये इसका जो कलर होता है डार्क पर्पल कलर होता है, ऑर्डरलेस होते हैं, टेस्ट स्वीट होता है। इसका जो स्टेट है, ये पाउडर फॉर्म में मिलते हैं, सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। अब जो पोटासियम परमैंगनेट है, इसका मेडिसिनल वैल्यू क्या है उसको देखिए, मेडिसिनल यूज क्या है। इट इज एंटी माइक्रोबियल एजेंट, कहने का अर्थ क्या हुआ, एक पॉइंट ऑफ कॉमन लिख सकते हैं कि जितना भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट के अंदर मेडिसिन आ रहा है, जैसे पोटासियम परमैंगनेट हो गया, बोरिक एसिड हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, तो ये पॉइंट सब में कॉमन लिख सकते हैं उसके यूज में, इट इज एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ये सब क्या है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। दूसरा पॉइंट, इट इज यूज एज एंटीसेप्टिक इन माउथ वॉश, माउथ वॉश करने के लिए इसको एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाता है। इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ यूरेथ्राइटिस, यूरेथ्राइटिस कहने का अर्थ क्या हुआ कि इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के में कोई भी इन्फ्लामेशन हो गया है तो पोटासियम परमैंगनेट को यूज करते हैं उसको ट्रीटमेंट करने के लिए। इट इज यूज एज डिसइन्फेक्टेंट, डिसइन्फेक्टेंट के भी रूप में पोटासियम परमैंगनेट को यूज किया जाता है। इट इज यूज एज एंटी इन्फेक्टिव एंड बैक्टेरिसाइडल एजेंट, इसको एंटी इन्फेक्टिव और बैक्टेरिसाइडल एजेंट के भी रूप में यूज किया जाता है। अब जो सेकेंड ड्रग है उसको हम देखते हैं, बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड के फॉर्मूला होता है H3BO3, और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 61.83 ग्राम पर मोल। अब इसका प्रिपरेशन देखिए कि कैसे हम बोरिक एसिड को प्रिपरेशन करते हैं। जब बोरेक्स रिएक्शन करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड से और वाटर से, तो मिलेंगे बोरिक एसिड एंड सोडियम सल्फेट। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, व्हेन बोरेक्स इज रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म बोरिक एसिड एंड सोडियम सल्फेट, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसका प्रॉपर्टी, इसका जो कलर होता है व्हाइट कलर होते हैं और कलरलेस भी होते हैं, ऑर्डर ऑर्डरलेस होता है, बिटर टेस्ट होता है, ये भी पाउडर फॉर्म में पाए जाते हैं, वाटर के अंदर सोलूबल होता है, अल्कोहल के अंदर भी सोलूबल होता है और ग्लाइसरीन के अंदर भी सोलूबल होते हैं। अब इसका देखिए मेडिसिनल यूज, तो जो कॉमन पॉइंट है उसको लिखना है, इट इज एंटी माइक्रोबियल एजेंट। सबसे पहले ये पॉइंट सब में आपको लिखना है। इट इज यूज एज बफर, इसको बफर के रूप में भी यूज किया जाता है क्योंकि ये पीएच को मेंटेन करने का काम करता है बफर। इट इज यूज एज वीक बैक्टेरियो स्टैटिक, फंगी स्टैटिक एंड एंटीसेप्टिक, इसको बैक्टेरियो स्टैटिक के रूप में भी यूज किया जाता है, फंगी स्टैटिक के रूप में भी यूज किया जाता है, क्योंकि स्टैटिक का मतलब होता है इनहिबिट करना, बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट करना, तो बैक्टेरियो स्टैटिक बैक्टीरिया ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, फंगी स्टैटिक फंगस को ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, और एंटीसेप्टिक कहने का अर्थ बैक्टीरिया वायरस फंगी को किल करने में भी मदद करते हैं।
इट इज यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के भी रूप में यूज किया जाता है। तो फ्रेंड जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन पेरो ऑक्साइड से आगे का जो ड्रग है उसके बारे में।